कोटक नियो में स्टॉप लॉस अभी हम आपको लाइव में लगा करके दिखाएंगे कि कोटक नियो में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाते हैं, पूरी लाइव मार्केट में अभी हम आपको लगा करके दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देख लेना है मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, आप अपने अनुसार आपको बाइंग कर लेना है। बाइंग करने के बाद आप नीचे देखेंगे एक आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, इस पोर्टफोलियो का ऑप्शन पर टच करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमने बाइंग कर रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, आपको इस पर टच करना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको नीचे देखेंगे तो सेल टू स्क्वायर अप का ऑप्शन है, इस सेल टू स्क्वायर अप के ऑप्शन पर टच करना है। जैसे टच करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे ऑर्डर टाइप में जाएंगे, ऑर्डर टाइप में आपको लिमिट ऑर्डर है, इसके बाद मार्केट है, इसके बाद SL LMT है। तो ये जो लास्ट में जो है SL LMT, इसी पे हमें टच करना है। जैसे इस पे टच करेंगे तो यहां पे दो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, एक सेलिंग प्राइस का, एक स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। ये इस दोनों में क्या है कि जैसे मुझे लग रहा है कि चलो इसमें हम 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहां पर हम 20 डाल देते हैं एंड नीचे भी हम 20 डाल देंगे। ओके, सो यहाँ पर भी हम 20 डाल देंगे। 20 डालने के बाद स्वीप टू सेल, नीचे आप देखेंगे स्वीप टू सेल का ऑप्शन आ जाएगा, इसे स्वीप टू सेल पे टच करना है। जैसे स्वीप टू सेल पे टच करेंगे ये नॉर्मल ऑर्डर अब पेंडिंग हो चुका है। अब ये हमें कहाँ पता चलेगा कि मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स में जाएंगे। जैसे ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिएगा एक ओपन ऑर्डर है, ये जो ओपन ऑर्डर इसमें देखिए ये चल रहा है। ओके, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका है और ये जो स्टॉप लॉस मेरा है ये 20 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका है, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है 20 रुपए का, जो मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये मार्केट गिर करके 20 रुपए आएगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप